सवाल दोस्तों, आप खोज रहे थे कोई ऐसा ट्रिक जिस ट्रिक का यूज करके आप अपने Amazon पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाए, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए एक ऐसा ही ट्रिक लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, बताने ही नहीं बल्कि यहां पर मैं आपको लाइव Amazon पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंटर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी न्यू ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाती है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आप किस तरह से अपने Amazon पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन को जिसका नाम है इजी माई डील रिचार्ज एंड बिल एप्लीकेशन, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। इस एप्लीकेशन को चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सामने ही और यहां पर मैं आपको सारी चीजें जो है लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। सो एप्लीकेशन हो चुका है डाउनलोड, मैं यहां ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर लॉगिन के लिए आप गूगल और फेसबुक का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहां पर लॉगिन नहीं बल्कि साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि नया अकाउंट हमने बनाना है। तो यहां पर हम अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो और उसके बाद में साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल जाकर आगे प्रोसीड करते हो तो आप जा आ जाते हो इजी माई डील के होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जानने वाले हैं किस तरह से आप अपने Amazon पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉपुलर सर्विसेज में कई सारे ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे कि फ्लाइट, मोबाइल प्रीपेड, डीटेच, फास्टैग, मोबाइल पोस्टपेड। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन बने हुए हैं, तो इसमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि है फास्टैग का। आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप रिचार्ज वाले सेक्शन में देख सकते हो फास्टैग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको अपने Amazon पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फास्टैग की जरूरत पड़ने वाली है और वो भी पेटीएम फास्टैग की। तो पेटीएम फास्टैग आपके पास में है तो बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पर अपने Amazon पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। रही बात पेटीएम फास्टैग की तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत ही ईजी तरीका है जिसके थ्रू आप अपने पेटीएम का फास्टैग बना सकते हैं। सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में आप अपने लिए एक पेटीएम का फास्टैग बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, उस वीडियो का लिंक प्राइवेट में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस वीडियो को आप देखकर पेटीएम फास्टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पेटीएम फास्टैग में अभी कितना बैलेंस है। यहां पर जो है मेरे वॉलेट में 59 रुपीज पड़े हुए हैं और फास्टैग में 250 रुपए पड़े हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहां पर अपने Amazon पे बैलेंस को ट्रांसफर करके दिखाता हूं। तो फिर से मैं उसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, इजी माई डील एप्लीकेशन को, और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं पेटीएम फास्टैग, क्योंकि हमने पेटीएम फास्टैग का ही यूज करना है। तो यहां पर जस्ट आपने अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है, यानी जिस नंबर का आपने पेटीएम फास्टैग बनाया है उस नंबर को आपने एंटर कर देना है। यहां पर अमाउंट एंटर कर देंगे, जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो मिनिमम आप 100 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, इससे ज्यादा भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप 100 रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैंने 100 टाइप कर दिया है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रोमो कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, गेट अप टू 400 कैशबैक ऑन फास्टैग रिचार्ज। तो यहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर देना है, तो अभी मैं अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में कूपन कोड अप्लाई होने के बाद में नीचे आपको पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पे वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वेंशन फी जो है आपको 5 रुपए लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर Amazon पे बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसीलिए हमें थोड़ा सा चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है जो कि पेमेंट पेज का है, तो इसमें आपने अपना पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप किस भी पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग और पे लेटर का भी ऑप्शन बना हुआ है। तो अभी हम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको Amazon पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एयरटेल मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फोन पे का भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, ओला मनी का भी ट्रांसफर कर सकते हो, फ्री रिचार्ज, पे लेटर है आपके पास में, मोबीक्विक में बैलेंस पड़ा हुआ है, रिलायंस जियो मनी में आपके पास में कोई बैलेंस पड़ा हो उस मनी को भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर देख सकते हो एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है गेट कैशबैक अप टू 25 ऑन मिनिमम ट्रांजेक्शन ऑफ 100 एंड Amazon पे वॉलेट, यानी आप अपने Amazon पे वॉलेट का यूज करते हैं, मिनिमम 100 रुपीज का भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अप टू 25 रुपीज तक का कैशबैक मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमें कितना कैशबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जजमेंट करेंगे कि हमें यहाँ पर कोई चार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अभी हम अपने Amazon पे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो 105 रुपए जो हमें टोटल पे करना पड़ रहा है, तो कन्वेंशन फी के नाम पर हमसे 1 रुपया 84 पैसे लग रहा है, जीएसटी इसमें इतना लग रहा है और टोटल जो है हमें 107 रुपए 17 पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए हम इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
तो अभी मैं ट्रायल के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप भी जो है अपने मिनिमम अमाउंट से ट्राई कीजिएगा इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉगिन वाला पेज आ चुका है अमेजोन का, तो जस्ट यहाँ पर आपने अपने लॉगिन विद अमेजोन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपना जो भी नंबर के या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन किया हुआ है अमेजोन में उसको यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और पासवर्ड एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपके अमेजोन पे बैलेंस में कितना अवेलेबल बैलेंस है। अभी आप देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस जो है 162 रुपीस मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं आपको अपने अमेजोन एप्लीकेशन में भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर अपने अमेजोन पे एप्लीकेशन को भी ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं अमेजोन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर अपने वॉलेट बैलेंस को दिखा सकूँ कि मेरे पास कितना पड़ा हुआ है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हो 162 रुपीज 35 पैसे जो है अमेजोन पे बैलेंस में मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सेम चीजें जो है आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो जस्ट अभी मुझे जो है पे नाउ वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है और यहां से जो है 107 रुपीज और 17 पैसे जो है कट हो जाएंगे और इसके लिए आप यहां पर देख सकते हो 25 रुपीज यानी अप टू 25 रुपीज तक का हमें कैशबैक भी मिलने वाला है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना हमें कैशबैक मिलेगा। तो चलिए मैं यहां पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और इस ट्रांजेक्शन को जो है कंप्लीट कर देता हूं। सो अभी आप देख सकते हो पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में जा चुका है। कुछ टाइम हो सकता है लग जाए आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस होने में। पेमेंट रिसीव हो चुका है इनके तरफ से और जो बिल है वो पे हो रहा है, यानी फास्टैग रिचार्ज कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए हमें कोई एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है। तो चलिए स्क्रैच कार्ड को तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अपने पेटीएम अकाउंट को ओपन करके कि हमें यहाँ पर जो है पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर फिर से अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और अभी आप देख सकते हो 59 रुपीज जो है थे मेरे पास पहले पड़े हुए थे, 100 रुपीज जो है अभी मेरे पास यहाँ पर एड हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो मनी एडेड टू वॉलेट 100 रुपीज जो है अभी मेरे पास ऐड हुए हैं जो कि मैंने फास्टैग रिचार्ज किया था। और यहां पर मैं आपको अब अपना जो अमेजोन का ट्रांजेक्शन है वो भी दिखा देता हूं कि मुझे वहां पर अब कितना अमाउंट रह गया है और इसके लिए मुझे यहां पर कितना कैशबैक मिला है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, यहां होम पेज पे क्लिक कर चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो 61 रुपीज जो है मेरे इस अकाउंट में रह चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको अपना ट्रांजेक्शन चेक कराता हूं और देखते हैं हमें यहां पर कोई कैशबैक मिला है या नहीं मिला है। तो अभी आप देख सकते हो 107 रुपए का जो है मैंने पेमेंट किया है और 6 रुपए का जो है हमें कैशबैक भी मिल चुका है। यानी कहे तो एक तरह से ये जो अमाउंट है फ्री में ट्रांसफर हो गया है जो मैंने अभी अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। तो आप भी इस ट्रिक का यूज करके अपने अमेजोन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल फीस में और यदि आप लकी हुए तो आपको 25 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएगा। सो आप भी अगर अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ट्रिक ढूंढ रहे थे, ये ट्रिक वर्किंग है, इसका यूज कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।